नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं कार्यक्रम राजयोग के साथ। इस कार्यक्रम में हम राजनीति से जुड़ी चर्चाएं करते हैं और इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के 2018 चुनाव को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, छतरपुर और दमोह जिले की। जी हाँ, समय की कमी के चलते हम एक एक सीट पर विस्तृत चर्चा ना करके सिर्फ परिणाम की बात करेंगे। ध्यान रहे कि हमारा यह अनुमान अंक ज्योतिष और ज्योतिष पर आधारित है, असली परिणाम 11 दिसंबर 2018 को आएंगे। तो आइए पहले बात करते हैं छतरपुर जिले की। इस जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। महाराजपुर सीट में भाजपा के जीतने की संभावना है। चांदला सीट में अंक भाजपा के फेवर में लग रहे हैं। राजनगर सीट में कांग्रेस के जीतने की संभावना है। छतरपुर सीट में भाजपा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। बिजावर सीट में अंक कांग्रेस के फेवर में लग रहे हैं। मलहरा सीट में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दमोह जिले की बात करें तो यहाँ 4 विधानसभा सीटें हैं। पथरिया सीट में कांग्रेस के जीतने की संभावना है। दमोह सीट में अंक कांग्रेस के फेवर में लग रहे हैं। जबेरा सीट में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। हटा सीट में भाजपा के जीतने की संभावना है। आपको बता दें कि हमने मध्य प्रदेश की सभी सीटों यानी कि पूरी की पूरी 230 सीटों की भविष्यवाणी की है, इसलिए आगे की सीटों के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर हमसे किसी भी प्रकार की ज्योतिष या अंक ज्योतिष संबंधी सलाह चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर फ़ोन करके पेटीएम या अकाउंट की डिटेल्स लेकर के फीस जमा करके सीधे हमसे बात करिए। स्पष्ट कर दूं कि ज्योतिष हमारा शौक है, लेकिन हमारी रोटी दाल भी इसी से चलती है, अतः एक छोटी सी फीस हम चार्ज करते हैं। ये फ़ोन नंबर अपॉइंटमेंट के लिए दिखाया जा रहा है, इस पर मुझसे सीधे बात नहीं होती है, बल्कि यह नंबर ऑफिस मैनेजमेंट देखने वाले किसी भाई बंधु के पास होता है। अतः जब फीस जमा करके बात करने का इरादा हो, मजबूत इरादा हो, तभी फ़ोन करें, अन्यथा अपना और हमारा समय व्यर्थ ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।